गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बॉलीवुड सॉरी रीमेक वुड वर्सेस ओरिजिनल कंटेंट, जो हमें सदा दिन से ही प्रोड्यूस करते आ रही है जो इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री के बारे में। तो इससे ही कुछ ताजी जो खबर निकल के आ रही है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम सीधा वीडियो की तरफ, बात करते हैं। तो वीडियो की सबसे पहले हम बात करेंगे शहजादा और हमारे आला कंटम प्रो मूवी से। आप लोग शहजादा फिल्म मेकर्स ने 8 करोड़ का ऑफर किया, मतलब कि क्या यार आप लोग, मतलब कि रीमेक पे रीमेक बॉलीवुड में जितने भी बड़े स्टार ले लो, आप कहने का मतलब कि अपना आमिर खान से लेके वरुण धवन सब रीमेक करने पे लगे हुए। अब देख लो यार, अभी वेदा वक्रम ऋतिक रोशन की जो मूवी है वो भी रीमेक। आप लोगों को पता है जयेश देवगन सर ने कल ही पोस्ट की एक ट्विटर पे, जो आपको पता ही होगा K3 जो मूवी है उसकी रीमेक बनाने के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद में अब देख लिया, अभी जर्सी बनी जो अभी फिल्म पोस्टपोन हुई वो भी रीमेक है। उसके बाद में बैक में कितने सारे फिल्म रीमेक बने भाई। तो सपोर्ट करो कम से कम यार ओरिजिनल कंटेंट को। ओरिजिनल कंटेंट तो आपको बनानी आती ही नहीं है, उसके बाद में आप जब किसी ने अब OTT पे हम जिसे देखना चाहते हैं उससे आप डिले क्यों कर रहे हो। कहने का मतलब आप इतनी नेपोटिज्म तो बॉलीवुड में पहले से थी, मगर फिर भी अब ये समझ ही नहीं आता है मुझे इस इंडस्ट्री से किस ओर पे, किस इस मतलब कि डायरेक्शन पे चली जा रही है फिल्म। हमें ओरिजिनल कंटेंट देखने को मिलती नहीं है, जब रीमेक आती है रीमेक भी इतनी घटिया करके से ये बने जाते हैं। और कुछ फिल्म अगर रीमेक में आप मतलब कि जैसे कि कबीर सिंह को देख लिए, साउथ इंडस्ट्री पे भी हिट मूवी थी, हिंदी बेल्ट में भी आने के बाद काफ़ी अच्छी उसमें थी और फिल्म अच्छी लगी भी डायरेक्टर, मगर कहने का मतलब है मतलब आप क्या एक तरफ आप मतलब कि रीमेक बना रहे हैं उसके बाद से ओरिजिनल कंटेंट को दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ओरिजिनल कंटेंट कभी दबने वाली नहीं है। इससे तो यही लग रहा है मतलब कि, मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये फिल्म शहजादा रिलीज होगी ना तो इस फिल्म को मैं उस समय देखने भी नहीं जाऊंगा, इसकी कोई रिव्यू भी नहीं आएगी। आप लिख के लीजिए अभी भी मूवी को, मैं देखने के लिए थिएटर्स पे जाऊंगा और मैं आप चाहूंगा इस मूवी को आप लोग भी बायकॉट करें। और आप लोगों से मैं यही कहता हूं कि अगर कि इस मूवी को अगर मुझे 2 साल बाद भी देखने को मिलती है ना, इसको मैं एक बार कभी जाकर तेलुगु वर्जन में इस मूवी को देख लूंगा। पर मैं इस मूवी की जो है ओरिजिनल अल्लू अर्जुन की जब इसकी ऑफिशियल डब आएगी ना यूट्यूब चैनल पर, मैं तभी इसको देखने जाऊंगा। और इस इंडस्ट्री के कारण कि ओरिजिनल कंटेंट ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ओरिजिनल कंटेंट की कमी है भाई, लोग मुझे समझ नहीं आता, जो डायरेक्टर हैं वही राइटर हैं, वही राइटर हैं वही एक्टर हैं, वही एक्टर हैं वही सिंगर हैं, मतलब कि क्या यार इन्हीं लोगों से तो इंडस्ट्री खराब हो रही है। हम भी चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री है, मैं ये नहीं कह रहा कि साउथ की और इंडस्ट्री हमारी मतलब कि इंडियन फिल्म है पूरी, पर कम से कम यहाँ से कंटेंट अच्छी आ रही है जहाँ से, उससे तो कम से कम सहमति दें यार, उससे तो कम से कम सपोर्ट करें। क्या यार बॉलीवुड के, और मैं क्या कहूँ शहजादा फिल्म के मेकर से, मतलब ये क्या काम किया है। अब चलिए उनका तो गोल्ड माइंस का तो 4 करोड़ उन्होंने खरीदा था, 8 करोड़ उसको ऑफर हो रहे हैं तो 4 करोड़ का उनका फायदा ही हो जाएगा। उसके बाद में वो तो कितनी भी हो, अल्लू सर की जो फैन फॉलोइंग है आप हम लोगों ने स्टारडम उनका अभी पुष्पा पे देख ही लिया है, तो ये फिल्म जब भी यूट्यूब पर आएगी तो वो तो उनकी कमाई करके चली ही जाएगी। बाकी अब शहजादा से जो उम्मीद थी और बॉलीवुड से उम्मीद थी वो कारनामा तो इन्होंने कर ही दिया, तो अब क्या कहें इसके बारे में यार। मतलब सब दिन इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करने को मन ही नहीं कर रहा, कितने हम हताश हैं, मतलब कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। और आप इस न्यूज़ से कैसे रिएक्ट करते हैं, जो कमेंट है बॉक्स है बिलो द, उसमें जाके कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। बाय बाय।